हेलो एंड असल पाकिस्तान दिज एंटा फ्रॉम पाकिस्तान स्ट्रेटिजिक फोरम आज हम बात करेंगे आर्मरिंग ऑफ टोयोटा हाईलेक्स के हवाले से लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हम तमाम नाजरन से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं जिस तरह की हम सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी जनरल पेट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान आर्मी हो पाकिस्तान रेंजर्स हो या पाकिस्तान की जो एफ है या लीवी फोर्स है वो टोयोटा हाईलेक्स यूज करती है और इसकी वजह से काफी इलाकों के अंदर जहाँ पे इंसर्जेंसी है टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं वहां पे जो है अटैक्स होते हैं तो सोल्जर्स और ऑफिसर्स की जो कीमती जाने हैं वो जाया होती हैं वो शहीद हो जाते हैं इस मसले को मद्देनजर रखते हुए टेक्सला ने आर्मरिंग स्टार्ट कर दी है स्टैंडर्ड इशूड हाईलेक्स की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनके अंदर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो आर्मर है या ब्लिस्टिक प्रोटेक्शन है टोयोटा हाइलेक्स की उसको इंक्रीज किया जा रहा है डाले की जगह पे जहाँ पे सोल्जर्स खड़े होते हैं और केबिन को भी ताकि स्टैंडर्ड जो मशीन गन का फायर होता है या राइफल का फायर होता है या बैटल राइफल का फायर होता है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके और आईडी से भी प्रोटेक्ट किया जा सके क्योंकि हम सबको पता है कि इस पर्टिकुलर इशू की वजह से काफी शहादतें पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी शहादतें पास्ट में होती रही हैं बट इन तस्वीरों के आने की वजह से हमें साफ नजर आ रहा है कि जो टोयोटा हाईलेक्स इनको हम उर्फे आम में डाला भी कहते हैं उनकी बलिस्टिक प्रोटेक्शन स्टार्ट कर दी गई है अभी इस बात पे कमेंट करना कबल वक्त होगा कि किस लेवल की बेलिस्टिक प्रोटेक्शन है यहां पे ये बात भी बता दूं कि एसओपी जो पेट्रोलिंग के हैं उनको चेंज किया गया है अब जनरली होता यह है कि जो हाईलेक्स होती है वो जो हाईलेक्स या डाला होता है वो बीच में होता है और आगे पीछे उसके कॉनवाई के जो हमारी एपीसीज हैं जिनको आप आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी कहते हैं या एम भी कहते हैं वो होती हैं आगे और पीछे कॉन्वाय के और बीच में ये डाले होते हैं एक तो ये स्टैंडर्ड एसओपी चेंज कर दिया गया पेट्रोलिंग का और साथ ही साथ इन डालों की जो आर्मर प्लेटिंग है उनको भी स्टार्ट कर दिया गया है और ये जो तस्वीरें हैं इसका वाजे सबूत है इससे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी के जो दारे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी और जो कीमती जानों का ज़्यादा है वो भी रुक जाएगा यहाँ पर यह भी बता दूँ कि जो ये स्टैंडर्ड डाले हैं इनको यूज़ करने की बहुत सी वजूहत हैं एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं दूसरा ये हर ट्रेन के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं जब हम कॉस्ट इफेक्टिवेस की बात करते हैं तो हम इन टर्म्स ऑफ प्रक्योरमेंट भी बात करते हैं और इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट भी बात करते हैं और ट्रेन मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है इन डालों की लेकिन इनकी जो आर्मर प्लेटिंग है उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आज के लिए बस इतना ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दिस इज़ एनटाइय साइनिंग ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद